हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो यार आज की वीडियो है हमारी, काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं यार कंफ्यूज हैं इस टाइम पे कि 13 सीरीज़ लें या 12 सीरीज़ लें। तो यार ये वीडियो उसी के बारे में आज। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, और जो भी कन्फ्यूज हैं उनको ये शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यार मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा यार, इस समय आ रही है बिग बिलियन डे की सेल, अमेजोन की सेल। सेल के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है यार, पुराना फ़ोन हो जाता है बहुत सस्ता, नया वाला जो आता है वो ऑब्वियसली अपने फुल पोटेंशियल फुल प्राइस पे रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका 13 जो लॉन्च प्राइस हुआ है वो उतने का ही रहने वाला है, और आपका 12 50,000 रुपये तक का मिल सकता है। मतलब अगर आपको 50,000 रुपये का 12 मिल रहा है और आपको 13 सीरीज़ वाला फ़ोन आपको मिलेगा कम से कम 25,000 से 30,000 रुपये के डिफरेंस पे। मतलब 30,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको 13 फ़ोन लेने के लिए। 12 से 13 में आप अपग्रेड देखिए क्या है, लुक्स वाइज सिर्फ एक कैमरा डायगनल हुआ है, थोड़ा सा सिनेमेटिक कैमरा के अंदर एडिशन हुआ है, प्लेबैक टाइम थोड़ा बढ़ा है। मतलब मैं डेफिनेटली कहूँगा ऐसा नहीं है सिर्फ एंगल चेंज किया है, और भी चीज़ें चेंज हुई हैं, बट यार मतलब इतना 30,000 रुपये का वर्थ इट नहीं है। मतलब एक साथ में XR आ जाएगा आपका। तो यार अगर आप 13 देने की सोच रहे हैं तो यार मेरे को तो नहीं समझ आ रहा 13 इतना वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि एक तो A14 से A15 बायोनिक चिप है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आपको 13 में नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रो लेना है तो आप 13 प्रो लें। पहली चीज़ तो इंडिया से बिल्कुल मत लें, क्योंकि इंडिया में बहुत कॉस्टली है, किसी भी तरीके से आप लें बाहर से, बट आप इंडिया से मत लेना प्रो, क्योंकि 1,20,000 रुपये के आसपास का कॉस्ट करेगा। मतलब सीरियसली यार बाहर 85,000 90,000 का मिल जाएगा आपको, US से मंगा लो, कैनेडा से मंगा लो, दुबई से मंगा लो। तो यार ये बहुत ज़्यादा रेट का फ़र्क है लिटरल लेवल पे। तो यार मैं आपको इस समय, अगर आपका कन्फ्यूजन है तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा यार, 12 से 13 में बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं है, 12 से 13 प्रो में डेफिनेटली अपग्रेड है काफ़ी, क्योंकि यार एक तो LTPO डिस्प्ले मिलती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है यार, वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया फीचर है। मतलब यार मैं नो डाउट कहूँ 60Hz भी जो एप्पल का है वो ऑलरेडी काफ़ी स्मूद है यार। तो 120Hz मतलब मैं यूज़ करता हूँ अपने iPad Pro में, तो यार मतलब लिटरली नेक्स्ट लेवल है वो चीज़। तो यार वो एक एक्स्ट्रा वर्थ है, प्लस एक एक्स्ट्रा कैमरा है, स्टील मिलता है आपको उसके अंदर, तो यार वो डेफिनेटली एक एडिशन है, आप उसके लिए एक्स्ट्रा पे करें तो समझ आ सकता है। बट यार अगर आप उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क ही नहीं है, तो वो लॉजिकली सही नहीं है। तो अगर आप कन्फ्यूज हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप 12 इस टाइम पे परचेज करें, क्योंकि 50,000-52,000 रुपये का मिल जाएगा, 13 को स्किप कर दें, और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 13 प्रो पे जाएं। और 12 प्रो वाले तो यार बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि 12 प्रो 13 प्रो में बहुत ज़्यादा फ़र्क आने वाला है, लिटरली काफ़ी फ़र्क हो जाता है 120Hz की रिफ्रेश रेट की वजह से। और इंडिया में 12 प्रो का प्राइस मुझे लगता है यार 80-90 हज़ार से कम का तो मुश्किल ही आएगा, ज़्यादा ज़्यादा आ गया तो 70 का आ जाएगा, बट यार वो भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि वो चीज़ एक्स्ट्रा कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रही है आपको। और सेम 12 और 12 प्रो के अंदर चीज़ें कम डिफरेंस थी, 12 और 12 प्रो में तो मैं हर बंदे को 12 ही रिकमेंड कर रहा था, क्योंकि यार 12 में ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको मिल रही है, यहाँ 13 और 13 प्रो में फिर भी फ़र्क है, क्योंकि एक स्क्रीन जो होती है ना, जो मेन आपने रोज़ देखनी है, उसमें अगर आप स्क्रॉल करते रहते हो तो यार आपको फ़र्क दिखेगा। मतलब थोड़ा बहुत अगर आपका प्रोसेसर ऊपर नीचे होगा तो रेगुलर डे टू डे यूज़र वाले बंदे को भी नहीं दिखेगा। मतलब अगर आप नॉर्मल रेगुलर डे टू डे यूजेज वाले बंदे हैं, उनकी ज़्यादा गेमिंग नहीं है, पावर यूज़र नहीं है आप, फिर भी आपको वो चीज़ नहीं दिख सकता, चलो एक बार को, बट अगर आप स्क्रॉल करते हैं वो सबको दिखता है। तो यार वो चीज़ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। तो मतलब मेरा रिकमेंडेशन ये है, या तो आप 13 प्रो लें या 12 लें, 13 ना लें, 12 प्रो बिल्कुल ना लें। अगर आपके पास पैसे हैं तो मैक्स तो आप ले ही सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।